बताओ क्या चाहिए। बोले आपका बेटे को मैं लेकर के ये तीर्थ भ्रमण करने जाना चाहता हूँ, आप मेरे को ये बेटे दे दो। हाड़ा ही पंडित सुनते ही तो जैसे शरीर से प्राण ही निकल गया, क्योंकि एक ही बेटा और साक्षात अगर बलदेव प्रभु किसका बेटे रूप में आए, अगर बोले ये बेटे को हमें दे दो, आप दे सकते हो? नहीं दे सकते ना, अभी तो बड़े दुखी हो गए। फिर उन्होंने याद करने लगे, बोले क्या? बोले जब श्री विश्वामित्र जी, जब राम लक्ष्मण जब अयोध्या में रहते थे, एक समय विश्वामित्र भी आए थे, आकर के उन्होंने और राम और लक्ष्मण को बोले आप जो बेटे के दो, हम यज्ञ करना चाहते, क्योंकि यज्ञ करते समय राक्षस लोग आकर के वहाँ बिष्टा और पेशाब करके यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, हड्डी और मांस को गिरा करके। लेकिन यद्यपि और राम और लक्ष्मण देने का लायक ही नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने राम लक्ष्मण को उन्होंने दिया था। यह चीज को स्मरण करते हुए श्री हड़ाई पंडित ने उन्होंने अपना बेटे को नित्यानंद प्रभु को उन्होंने दिया। जब दिए, हमारे हड़ाई पंडित रोज ये माला जप करते थे, रोज ये भजन करते थे, लेकिन जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को लेकर चले गए, फिर उनसे और माला जप नहीं हो पाया नित्यानंद प्रभु का विरह में। इसलिए हमें एक वृक्ष हम देखेंगे, वो वृक्ष में जब श्री नित्यानंद प्रभु चले गए, उन्होंने वो माला को लेकर वो वृक्ष में लटका दिया था, इसलिए वो वृक्ष का नाम कहते हैं माला तला। मतलब जहाँ पर उन्होंने माला नहीं जप कर पाए और माला को रख लिए, उसी समय जो सन्यासी थे, वो सन्यासी ने उनको एक विग्रह दिया था जिसका नाम था मुरलीधर। क्या नाम था? मुरलीधर, एक छोटा सा कृष्ण लड्डू गोपाल जैसे। बोले देखो एक काम करना, उनको पता है ये नित्यानंद प्रभु बगैर रह नहीं सकते हैं। बोले जब नित्यानंद प्रभु का ज्यादा विरह होगा, ये विग्रह मैं आपको दे करके जा रहा हूँ, आप ये विग्रह दर्शन करते ही इसी विग्रह में ही तुम नित्यानंद प्रभु का दर्शन तुम पाओगे। इसलिए वो ठाकुर का नाम पड़ गया मुरलीधर। अभी हम जब दूसरे मंदिर में जाएंगे, बांके राय मंदिर में, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु लास्ट समय में जिस विग्रह में ही समा गए थे, उसी विग्रह में ही समा गए थे, हम वहाँ पर जाएंगे दर्शन करने के लिए। वहीं पर आप लोग दर्शन करोगे, वहाँ पर ठाकुर जी श्री मुरलीधर जी को वहाँ पर आप लोग दर्शन करोगे। अभी प्रश्न है, कभी ये बलदेव प्रभु को लेकर के उन्होंने तीर्थ में क्यों गए? क्या जरूरत उनको तीर्थ करने का है? कहते हैं बोले तीर्थ कुर्बंत तीर्थानी शांतस्तेन गदावृतम। जैसे आप लोगों ने देखा ना, यहाँ पर पांडव लोगों को दिखा कि नहीं, जहाँ पर पांडव लोगों ने, जहाँ पर उन्होंने भीमसेन ने बकासुर को वध किया था। अब बहुत सारे, जब आप भारत में विभिन्न स्थान जाओगे ना, ऐसे कई स्थान नहीं जहाँ पर ये पांडव लोग गए नहीं। बोले पांडव लोग क्यों, उनको वनवास क्यों होगा? ये पांडव लोग को वनवास का क्या जरूरत है? कहते साधारण जो साधक है, रूप गोस्वामी कहते साधन का दो लक्षण है, कहते एक क्लेशग्नि और एक सुभदा। क्लेशग्नि मतलब होता है साधक अवस्था में जितने तरह का क्लेश दुख कष्ट है, साधन अवस्था में ही सारे दुख कष्ट खत्म हो जाता है। सुभदा मतलब हर तरह का जो मंगल मंगलमय जीवन में आ जाती है साधन अवस्था में। लेकिन ये पांडव लोग कौन थे? कृष्ण के ये प्रेमातुर भक्त थे, इतने बड़े भक्त, कृष्ण जी को घर छोड़कर कभी नहीं जाते थे। जहाँ पर कृष्ण इनकी क्या बन गए, इनका दूत बन गए, और इनके घर में कभी कभी कृष्ण इनकी के लिए दूत बनकर जाते थे। अर्जुन का उन्होंने क्या किए, घोड़ा में सारथी बन गए। इसलिए कहते ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथो, प्रेम गए ठाकुर आई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे इतने बसीभूत होकर के घर में नौकरी, इनकी हर तरह का नौकरी करते थे जैसे ठाकुर जी हैं, नौकरी करते थे। इसलिए कहते फिर इनको फिर दुख कष्ट फिर क्यों, उनको 12 साल तक जंगल में भटकना पड़ा, एक साल अज्ञातवास, फिर इनको क्यों दुख कष्ट करना पड़ा? बोले नहीं, दुख कष्ट नहीं है, ठाकुर जी को पता है जब तक ये पांडव लोग सारा दुनिया में भ्रमण नहीं करेंगे, जहाँ पर उनकी चरण धूलि जहाँ पर गिर जाए पांडवों का, भक्तों का, वो स्थान पवित्र हो जाता है। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में श्लोक कहते हैं कि जब भक्त लोग ऐसे हाथ उठा करके नृत्य करते हैं, स्वर्ग लोक में देवता का कल्याण होता है,
जब प्रेममय दृष्टि से जितना दूर तक दर्शन करते हैं, जितना दूर तक उनका नजर चली जाए, वो स्थान का सारे दुख कष्ट दूर हो जाता है। कृष्ण प्रेम में जब नृत्य करते हैं, उनके चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती है, इतने शुद्ध भक्त का। और ये इतने बड़े भक्त है, फिर क्यों ये धाम धाम चार तरफ से घूमते रहे? बोले कारण है, जहाँ पर इनकी चरण धूलि पड़ेगा वो स्थान क्या हो जाएगा? वो स्थान पवित्र हो जाएगा। आप लोग श्रवण कुमार का नाम सुने हो? सुने कि नहीं? श्रवण कुमार का, जब वो पिता माता को ले जा रहे थे, हठात लेते लेते ठीक जब एक नदी आई ना, वहीं पर श्रवण कुमार अपना पिता माता को ले गया। बोले बुढ़ा बुढ़ी होगी, सेवा करते करते अपना जवानी निकाल चला गया, हमने विषय भोग नहीं कर पाई, ये बुढ़ा बुढ़ी होगा चक्कर में, इनकी सेवा करते करते और आपकी सेवा नहीं करेंगे, इतना कर लिया, बेकार अपना जीवन बर्बाद किया। लेकिन वो उनका जो पिता माता थे ना, वो समझ गए जरूर ये जो स्थान कहीं पांडव वर्जित स्थान है, लगता है पांडव लोग यहाँ पर नहीं आए, कोई भक्त लोग नहीं आए, लगता है यहाँ कहीं दुष्ट व्यक्ति का स्थान, इसलिए मेरा बेटा इतना जो पिता माता की सेवा करने वाली बुद्धि खराब हो गया। पिता माता ने क्या बोले? बोले एक काम कर दे बेटा, यहाँ पर क्या? बोले पिताजी नदी। बोले ये नदी का उस पार में पार कर दो, फिर तुम चले जाओ। उनको पता है ये स्थान का कोई दुष्प्रभाव है, हैं? लेकिन जब उन्होंने बोले ठीक है उसके बाद में आपको छोड़ दूंगा, बोले हाँ, लेकिन जब नदी को पार करते ही ना, इसका बुद्धि अपने आप बदल गई, सुधर गई, रोने लग गए, चरण में गिरने लग गए। बोले पिताजी मेरे अपराध हो गया, आपको मैंने क्या अपशब्द बोल दिया? बोले बेटा मैं समझ गया था ये स्थान का कोई दुष्प्रभाव है, इसलिए कहते ये पांडव लोग जो जरा दुनिया में गए और नित्यानंद प्रभु को उन्होंने, श्री नित्यानंद प्रभु को जो उन्होंने ले करके तीर्थ भ्रमण क्यों करने के लिए गए? बोले नित्यानंद प्रभु का चरण धूलि जहाँ पड़ेगा क्या होगा? वो स्थान पवित्र हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किए, नित्यानंद प्रभु को लेकर के सारा दुनिया में भ्रमण किए, जहाँ पर इनकी चरण धूलि पड़ी वो स्थान भी पवित्र हो गया। इसलिए अभी हम जहाँ जाएंगे वहाँ पर नित्यानंद प्रभु जहाँ जन्म लिए थे, अक्चुअल जो स्थान है वो स्थान वहाँ पर है, एक छठी पूजन करते हैं ना, छठी पूजन करते हैं, वो स्थान भी है जहाँ पर छठी पूजन की गई। और जहाँ पर नित्यानंद जन्म को बाद में जैसे कपड़ा लता धोते हैं, जैसे बर्तन धोते हैं, जैसे स्नान करते, अभी वो कुंड भी वहाँ पर है जहाँ पर नित्यानंद प्रभु जिस कुंड में स्नान करते थे, और जहाँ पर उनके बर्तन और जैसे कपड़ा को जैसे धोते हैं, वहाँ पर जैसे जन्म किसी बच्चे को देने के बाद जैसे माताएं स्नान करती हैं, जिस कुंड में उन्होंने स्नान किया था वो कुंड भी वहीं पर है। इसलिए ये सारे दर्शन यही स्थान को अंदर में सारे दर्शन है।